केंद्र सरकार के अनुमानों की तुलना में सोयाबीन की बुवाई का रकबा लगभग 6.5% तक कम हुआ है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हालांकि ये रकबा पिछले कुछ वर्षों के बराबर तक है, फसल का अंतिम उत्पादन सितंबर और अक्टूबर के फसल के महीनों में मौसम पर निर्भर करेगा। सरकार के 123.6 लाख हेक्टेयर के अनुमान के विपरीत सोपा ने सोयाबीन के लिए मौजूदा खरीफ क्षेत्र 115.5 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया है। सोपा के कार्यकारी निदेशक ने अपने बयान में कहा कि कुछ जिलों में फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, इस कारण सरकार की बुवाई के आंकड़ों कुछ कम कर दिया गया है। ये कमी 6.545% या 8.9 लाख हेक्टेयर तक है। सरकार और सोपा के क्षेत्रफल के अनुमान में सबसे बड़ा अंतर राजस्थान में है, जहां सरकार का अनुमान 55.8 लाख हेक्टेयर सोपा के अनुमान से करीब 4.77 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। सोपा के अनुसार सोयाबीन की लगभग 13% फसल खराब स्थिति में, 42% सामान्य स्थिति में, 23% अच्छी स्थिति में और 15.5% बहुत अच्छी स्थिति में है। खाद्य तेल उद्योग के प्रमुख सोयाबीन फसल के क्षेत्र से संतुष्ट है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में बारिश कैसे होती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सोपा के कार्यकारी निदेशक ने आगे बताया कि हम उत्पादन अनुमान के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यह आने वाले हफ्तों में मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। सोपा ने 25 अगस्त से 5 सितंबर के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन की फसलों क्षेत्रों का सर्वे किया था। सोपा ने अपने बयान में कहा था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पकने के कगार पर है। मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, राजगढ़ और भोपाल जिलों में भारी वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है। यहाँ के निचले क्षेत्रों में अभी पानी भरा है। रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में कीड़ों और कीटों के कारण फसल प्रभावित हुई है। राजस्थान में जहाँ सोयाबीन की खेती होती है, वहाँ के किसान अब चना, मूंग, मक्का और धान की तरफ रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।